जय हिंद साथियों, मैं हूं पायल रोहतगी और आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, या समझ लीजिए आपसे एक अपील करना चाहती हूं। भारत विविधताओं का देश है और ये अपील मैं उस देश के लिए करना चाहती हूं। भारत की विविधताएं दिखती है उसके त्योहारों के अंदर। भारत के त्योहार, भारत के रंग, भारत के मौसम सब इस विविधता में चार चांद लगा देते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। अब थोड़ी है समय में भारत के त्योहार शुरू होने वाले हैं, रक्षाबंधन से लेके दिवाली से लेके होली से लेके ईद, अनेक प्रकार के त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। भारत के त्योहार को मनाने के लिए हम विदेशी सामानों का प्रयोग क्यों करें, ये मेरा आज का सवाल है आप सभी भारतवासियों के लिए। क्योंकि भारत के त्योहार तो हमारा त्योहार, हमारी संस्कृति और हमारा सामान, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ सरहद पर लड़ते हैं, हमारी सैनिकों की जान जाती है और चीन के सामानों का प्रयोग करके हम चीन को पैसा कमा के दे रहे हैं। ये पैसों से चीन हथियार खरीदता है जो हमारे सैनिकों को मार देता है सरहद पर, और हम चीन के सामानों को खरीद कर हमारे हाथों को हमारे सैनिकों के खून से रंग रहे हैं। तो मेरी सबसे यही दरखास्त है, भारत जिसकी विविधता उसके त्योहार है, जिसके त्योहार उसकी संस्कृति है, उस संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें हमारे देश का सामान यूज करना चाहिए। स्वदेशी सामान का गूंज ये हम सब सुनते हुए आ रहे हैं और इस गूंज में खुद का भी योगदान करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग चीन के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं और चीन के सामानों का बहिष्कार करके हम चीन की कमर तोड़ सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण मैं अभी आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। जिन उदाहरणों के बारे में मैं बात कर रही थी, जिन्होंने चीनी सामान खरीदना और बेचना बंद कर दिया है, वो इस तरह से हैं। देश के व्यापारियों का संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारतीय सामान हमारा अभियान चलाया है, जिसमें 7 करोड़ व्यापारियों ने 1,000 करोड़ चीनी राखियों का ऑर्डर रद्द कर दिया है। इंदौर में 22 गैर संगठनों से जुड़ी महिला बना रही हैं 1,00,000 राखी। रायपुर में राखी को तैयार करने के लिए महिलाएं बांस की पतले छिलके को काटकर राखी का स्वरूप दे रही हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं गोबर की राखियां बना रही हैं, कोरोना योद्धा के रूपांतरण जोड़ रही हैं। इस मुहिम में विवेक रूरल डेवलपमेंट सेंटर ने एक कदम ग्रामीण रोजगार की ओर बढ़ाते हुए वनवासी महिलाओं द्वारा बनाई गई पर्यावरण पूरक राखियों का नाम भी भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए रखा है, जैसे गंगा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, यमुना। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जहां पर भारतीय लोग चीनी चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है रक्षाबंधन के त्योहार से। जब साथ लड़ेगा भारत तब जीतेगा भारत, और इसलिए मैं आप सबसे दरखास्त करती हूँ कि अपने त्योहारों को अपने भारतीय सामानों से मनाइए और इस तरह से आप अपने देश की आर्थिक स्थिति में भी योगदान देंगे, और इसे कहते हैं डबल फायदा। मेरा देश, मेरा त्योहार, मेरा सामान। जय हिंद।